शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और प्रत्यक्ष तौर पर सबसे ज्यादा और तुरंत अपने प्रभाव को देने की क्षमता रखता है। दंड और न्याय के कारक ग्रह शनि व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि 28 साल में शनि जब अपनी राशि बदलते हैं तो यह वह सौर मंडल की बड़ी घटना मानी जाती है और व्यक्ति से लेकर विश्व के मानचित्र पर भी बड़े बदलाव की आशंका रहती है। फिर चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, राजनीतिक बदलाव की, सभी जगह शनि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शनि का यही बदलाव व्यक्ति विशेष के लिए साढ़े साथी और ठैया का कारण बनती है। शनि की साढ़े साथी का सरल अर्थ होता है कि व्यक्ति की जन्म राशि से एक राशि पहले जन्म राशि में तथा जन्म राशि से अगले राशि में जब शनि गोचर यानी कि भ्रमण करे तब शनि की साढ़े साथी लगती है। साढ़े साथी यानी साढ़े सात साल और ये साढ़े सात साल ढाई ढाई साल करके तीन राशियों में गुजरती हैं। ठीक इसी तरह शनि जब अपनी जन्म राशि से चतुर्थ या आठवें राशि में गोचर करने लगे तो यह शनि की अढ़ैया कहलाती है। अढ़ैया यानी अढ़ाई साल और शनि का यह अढ़ाई साल गुजरता है जन्म राशि से चतुर्थ या आठवीं राशि में। शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आती है और यह स्थिति तब और भी अधिक गंभीर हो जाती है जब शनि व्यक्ति की जन्म कुंडली में पीड़ित या दूषित हो। साढ़े साथी तब लगती है जब व्यक्ति को इसके संकेत मिलते हैं जिससे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये है वो संकेत जिसमें शनि का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष असर पैरों में देखने को मिलता है। एड़ियां फटनी शुरू हो जाएंगी अथवा चप्पल जल्दी जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे। मन में अज्ञात भय बनना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति वर्तमान से दूर होता चला जाएगा और उसका अधिकतर समय भविष्य चिंतन में जाने लगेगा। श्वास के दृष्टिकोण से पेट में वायु ज्यादा बनने लगेगी एवं नस नाड़ी की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। जमीन जायदाद एवं कानूनी अड़चनों का सामना शुरू हो जाएगा। घर में अनावश्यक कलह और क्लेश का माहौल बनता चला जाएगा। ये तो हुई बात उन लक्षणों की जिसके आधार पर हमें शनि की साढ़े साथी अथवा शनि की ढैया शुरू होने की सूचना मिलती है। आइए अब हम यह जाने कि शनि के इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर अथवा काली मंदिर में नारियल की बलि दें। तंत्रोक देवी सुक्तम का पाठ नियमित रूप से करें। रोजाना ना कर पाने की स्थिति में सिर्फ शनिवार को करें। जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी अथवा ढैया चल रही है उन लोगों को शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए जो राहत देने वाला साबित होगा। ओम शम शनै शनैश्चराय नमः मंत्र का यथासंभव मानसिक जाप करें। जीवन शैली में बदलाव लाते हुए भविष्य चिंतन से बचें एवं वर्तमान पर केंद्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।